हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। हम आज का सत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंद्रहवें अध्याय का हम पठन प्रारंभ करने जा रहे हैं। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलं अधःशाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवीत्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादीर्न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मनो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः
पचाम्यन्नम चतुर्विधम सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम् च वेदैश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो माम् एवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है हमारे पुरुषोत्तम मास के इस पुरुषोत्तम योग गीता का 15वां अध्याय, जिसका हमने चर्चा प्रारंभ की है और आज हमारा इसका 15वां सत्र चल रहा है। कल हमने 11वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। और इसमें हमने देखा था कि यतन्तः जो विशेष रूप से प्रयत्न कर रहे हैं, योगिनः ऐसे योगी जो कर्म योगी हो सकते हैं, ज्ञान योगी हो सकते हैं या भक्त योगी हो सकते हैं, पश्यन्ति देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? एनम, इसको देख सकते हैं। किसको? आत्मा को। कैसे आत्मा को? आत्मनि अवस्थितम, शरीर के अंदर स्थित इस आत्मा को देख सकते हैं। मतलब शरीर और आत्मा, इनमें भेद है, इसको वो अच्छे से देख सकते हैं। तो हमने पहले भी देखा था, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुञ्जानम वा गुणान्वितम विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो ये पश्यन्ति है, ये वही लोग हैं जो ज्ञान चक्षु है, ज्ञान चक्षु से देखते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया था, एक्सरे यदि है तो एक्सरे हम लोग देखेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब ज्ञान के चक्षु के साथ, मतलब जो मेडिकल साइंस का जो ज्ञान है उसके चक्षु के साथ यदि जब डॉक्टर देखता है तब वह अच्छे से समझ पाता है कि कहाँ पे बीमारी स्थित है। तो इसी प्रकार से जो ज्ञान चक्षु व्यक्ति है, जो कोई किसी प्रकार का योगी है, साधक है और जो प्रयत्न कर रहा है उसमें आगे बढ़ने का, तो वह व्यक्ति समझ पाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा जिस प्रकार से देह त्याग कर देता है, उस समय वह अन्य देह को धारण कर लेता है, अन्य देह में चला जाता है और अपने साथ सूक्ष्म शरीर को भी लेके जाता है। वायु और गंधा निवाशयात, जिस प्रकार से आशय से वायु गंध को लेके जाता है, उसी प्रकार से आत्मा शरीर से सूक्ष्म शरीर मन आदि को अगले शरीर में लेके जाता है। तो हम भी किस प्रकार से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो हमने चर्चा की थी खास करके चार मुद्दों के ऊपर। तो एक है कॉमन सेंस, मरा हुआ शरीर तो यहीं पर है तो गया कौन है, तो वो एक पहला। दूसरा है इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, अंतर्दर्शी समझदारी। हमने देखा था कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है, ये मेरा हृदय है, तो वास्तव में मैं इन सब को मेरा मान रहा हूँ, वो मैं यानी आत्मा हूँ। और तीसरा हमने देखा था कि कई सारे लोग हैं, मेडिकल साइंस भी इसे सिद्ध करता है, जिसे कहते हैं OBE या NDE, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या नियर डेथ एक्सपीरियंस, मृत्यु के निकट के अनुभव ये लोग जो है वो शेयर करते हैं। और कुछ लोग, हमने चौथा मुद्दा देखा था, जिन्हें पूर्व जन्म की भी कुछ यादें स्मरण होती है, तो वो है पूर्व जन्म की यादें।
इसको देखना यानी शास्त्र चक्षु, शास्त्र के चक्षु से देखना है, न कि इन चर्म चक्षुओं से। हमने देखा था कि जो चीज छिपी हुई होती है किसी अंदर, उसे देखने की एक विधि होती है, वो छिपी है। और इसके लिए हमने 5 उदाहरण देखे थे, यदि आपको स्मरण है। पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठे वह्निपयो घृतम इक्षव गूढ़म तथा देहे पश्चात्मानं विवेकतः। तो जिस प्रकार से पुष्पे गंधम, पुष्प के अंदर गंध छिपी हुई रहती है, तिल के अंदर तेल छिपा रहता है, काष्ठे वह्नि लकड़ी के अंदर अग्नि छिपी रहती है, दूध के अंदर घी छिपा हुआ रहता है, और इक्षुदंड यानी गन्ने के अंदर गुड़ छिपा हुआ रहता है, केवल उसे बाहर निकालने की एक पद्धति होती है, उसका अनुभव करने की एक पद्धति होती है। तो इसी प्रकार से ये यतंतः योगिना का भी अर्थ है कि जो इस प्रकार से उस विधि का, उस साधना का अच्छे से पालन करता है, वह व्यक्ति इस तत्व को अच्छे से समझ सकता है। क्योंकि हमने देखा था कि विज्ञान की एक शाखा का साधन दूसरे शाखा में भी नहीं लगता। जैसे हमने देखा था फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तो फिजिक्स का यही कोई मेजरमेंट टेप है, वर्नियर कैलिपर है, वो केमिस्ट्री के एसिडिक और अल्कलाइन टेस्ट करने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। या केमिस्ट्री का जो लिटमस पेपर टेस्ट है, वो बायोलॉजी में नहीं प्रयोग किया जा सकता, क्योंकि वहां पर चीजों को सूक्ष्म दृष्टि से देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि जिन साधनों से द्वारा हम इस संसार को समझ सकते हैं, उन्हीं साधनों के द्वारा केवल परमात्म तत्व भगवान को नहीं समझा जा सकता। और ये जो अगली पंक्ति थी, यतंतः अपि न एनम पश्यति, जो कुछ लोग ऐसे होते जो प्रयत्न करते हैं लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते इस तत्व को, आत्मा और शरीर अभिन्न है, हाँ क्षमा कीजिए, भिन्न है, इस तत्व को नहीं समझ पाते हैं, तो उसमें से एक कैटेगरी के लोग होते हैं, वो है नास्तिक। हमने देखा था नाम तो देते हैं जीव शास्त्र, लेकिन उसमें जीव की कभी चर्चा ही नहीं होती है, तो वो लोग हैं। और दूसरा है, हमने देखा था कुछ ऐसे साधक जो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। तो क्या कमी रह जाती है? तो ये दो कमियां यहाँ पे बताई गई थी, अकृतात्मानः और अचेतसः। जैसे हमने उदाहरण दिया था, आपको यदि स्मरण है, कि बाल्टी में नल चलो शुरू है, नल से पानी गिर रहा है, बाल्टी भर रही है, लेकिन बाल्टी में नीचे से छेद है, तो सारा जल प्रवाहित हो रहा है, बाल्टी में कुछ आ ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार से ये जो दो है, अकृतात्मानः और अचेतसः, ये उस बाल्टी में दो छेद के समान है, जो हमें हमारी बाल्टी भरने नहीं देते, या हमें आध्यात्मिक परिपूर्णता साक्षात्कार नहीं लाने देते। तो ये अकृतात्मानः का अर्थ हमने देखा था, हमारा चित्त शुद्ध करना है। तो जिनका चित्त शुद्ध नहीं है ऐसे लोग, और अचेतसः इसका अर्थ है अविवेकी लोग, जिनका विवेक हरण किया गया है। और हमने देखा था किस प्रकार से गीता के दूसरे अध्याय से, हमने देखा था कि 44वें श्लोक से, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति अग्रसर नहीं हो सकता यदि भोग और ऐश्वर्य इनमें प्र आसक्त, इन दोनों में विशेष रूप से यदि आसक्त है, तो उससे क्या हो जाता है, अपहृत चेतसाम, हमारी चेतना का हरण कर लिया जाता है और विवेक बुद्धि चली जाती है, हम विवेक खो बैठते हैं। तो ये अकृतात्मानः और ये अचेतसः, ये दो इस प्रकार के दोष है जिसके द्वारा प्रयत्न करने पर भी आत्म साक्षात्कार जल्दी नहीं हो सकता है। तो ये 11वें श्लोक में हमने देखा था कि उन्नत चेतना वाले लोग ही अपने शरीर में अपने आप को जीवात्मा के रूप में देख सकते हैं, अकृतात्मानः और अचेतसः नहीं देख पाते। तो इसी अध्याय के पहले 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार का एक अश्वत्थ वृक्ष के साथ तुलना की थी। 3रे श्लोक में कहा था इसका असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंग शस्त्र से इसका छेदन करना है। 4थे श्लोक में कहा था ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, उस पथ उस जगह को ढूंढो जहां से जाने के बाद वापस नहीं आ सकते। वहां पर जाने के लिए कौन कौन से गुण लगते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा, इस प्रकार से 5वें श्लोक में वर्णन किया था। और उस धाम का वर्णन क्या है, तो 6थे श्लोक में किया था, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक। और फिर
ये पहले छह श्लोकों का वास्तव में देखा जाए तो एक प्रकरण बनता है पूरा, और सात से लेके 11 तक, यहां तक एक प्रकरण बनता है। तो सातवें श्लोक से लेके पूरा जीवात्मा का वर्णन है। पहले भौतिक संसार का वर्णन है जगत का, फिर जीवात्मा का वर्णन है सातवें से लेकर के 11वें श्लोक तक। और 11वें में कौन, तो सातवें श्लोक में हमने देखा था ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, किस प्रकार से आत्मा शाश्वत भगवान का अंश है, लेकिन इस धरातल पर आ गया है वो, और यहाँ पर वो शरीर त्यागता है, अन्य शरीर धारण करता है, और श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते, विषयों के उपसेवन में लग जाता है और भगवान से अभी उन्मुख है। तो केवल ज्ञान चक्षु जो जो पारंगत लोग हैं, निपुण लोग हैं शास्त्रों में, वही समझ पाते हैं, और जो साधक प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन फिर भी अकृतात्मन और अचेत से है, या विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो ये हुआ था हमारी चर्चा। तो अभी तक हमारे एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दो प्रकरण पूरे हो जाते हैं, पहले छह अध्याय का एक प्रकरण और 7 से 11 का एक प्रकरण। अभी जो लोग इस प्रकार से नहीं देख पाते हैं, या ये जो लोग देख रहे हैं उनका पालन पोषण किस प्रकार से भगवान करते हैं, उसकी चर्चा का एक अगला प्रकरण शुरू होने जा रहा है। 12वें श्लोक से लेकर के 15वें श्लोक तक ये प्रकरण चलता है। तो भी 12वां श्लोक जो अगला आने वाला है, इन दोनों प्रकार के लोगों का पालन भगवान इस भौतिक जगत में किस प्रकार से करते हैं, और भौतिक चेतना में स्थित व्यक्ति भी भगवान का हाथ इस भौतिक सृष्टि में कैसे अनुभव कर सकता है, इसका प्रतिपादन इन श्लोकों में होने वाला है। तो 12वां श्लोक हम देखने जा रहे हैं आज। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम्। तो इस श्लोक का पद विभाग और संधि हम लोग देखने जा रहे हैं। कृष्णा हीरे, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, अच्छे से आ रही है। हाँ तो आप सबको एक एक शब्द मैं दोहराऊंगा, मेरे पीछे आपको दोहराना है, दो दो बार हम शब्द दोहराते हैं। यत यद यत यद आदित्यगतम आदित्यगतम आदित्यगतम, आदित्यगतम तो ये दो शब्द, इनका संधि शब्द बन जाता है यदादित्यगतम यदादित्यगतम तेजः 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 जगत् 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 भासयते 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 भासे अखिलम् अलम अखिलम्। अखिलम तो ये तीनों शब्द का संधियुक्त शब्द बन जाता है, पूरा एक पाद बन जाता है इस श्लोक में। जगत भासयते खिलम जगत बासयते अखिलम जगत भासयते खिलम जगत बासयते अखिलम यद 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 चंद्रमसी चंद्रमसी चंद्रमसी, चंद्रमसी संधियुक्त शब्द बनेगा यत चंद्रमसी यत चंद्रमसी यत यद यत यद च च च अग्नौ च अग्नौ अग्नौ, अग्नौ तीनों का शब्द संधियुक्त शब्द एकत्रित बनेगा यच्चाग्नौ यच्चाग्नौ तत् तद तत् तद तेजः तेजः तेजः, तेजः संधियुक्त शब्द बन जाता है तत्तेजो तत्तेजो विद्धि 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 मामकम् मामकम्
मामकम। मामकम। पूरा श्लोक अभी हम बोलेंगे, मेरे पीछे दोहराइए एक एक पाद। यदादित्यगतम तेजो, यदादित्यगतम तेजो, जगत भासयते अखिलम, जगत भासयते अखिलम, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ, तत्तेजो विद्धि मामकम, तत्तेजो विद्धि मामकम। थैंक यू कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इसका हम लोग अन्वय अभी देखेंगे। बहुत आसान है और ये छोटा ही श्लोक है, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है समझने में। अभी हमारा सिद्धांतों का काफी हिस्सा इस अध्याय का कम हो गया है और आखिर में थोड़ा सिद्धांत का हिस्सा आएगा, लेकिन ये जो बीच वाला प्रकरण है 11 से 15 ये बहुत आसान श्लोक है। आदित्य, आदित्य का अर्थ है सूर्य। सूर्य के अलग अलग नाम है, भास्कर, रवि, उस प्रकार से आदित्य ये सूर्य का नाम है। आदित्य गतम मतलब आदित्य को जो प्राप्त हुआ है, क्या? यत तेज है, जो तेज, जो तेज क्या करता है? अखिलम जगत भासयते, सारे जगत को प्रकाशित करता है। भासयते, हमने भासयते शब्द पहले ही देख चुका है, न तद भासयते सूर्य, आध्यात्मिक जगत को सूर्य प्रकाशित नहीं करता है, तो भासयते का अर्थ है प्रकाशित करता है। तो आदित्य को जो तेज प्राप्त हुआ है वो सारे, अखिलम मतलब संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। यह चंद्रमसी, चंद्रमसी हमने देखा था, ये शशि, चंद्रमसी, चंद्रमा, चंद्रमा में भी जो तेज है वो भी, और यद अग्नौच, और अग्नि में भी जो तेज है वो भी, क्या कहते हैं भगवान? तत् तेज, वह तेज मामकम मेरा है, विद्धि इसे जानो। विद्धि का अर्थ होता है जानो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस श्लोक के द्वारा बता रहे हैं कि जो सूरज का जो तेज है, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और चंद्रमा में भी जो यद तेज है, और च अग्नि में भी जो यद तेज है, तत् तेज है, वह तेज मामकम विद्धि, मेरा ही है, मुझसे ही आ रहा है, ऐसा समझो। देखिए कितना आसान है समझना, है कि नहीं? यदि हम अन्वय कर लेते हैं ठीक से तो कोई भी श्लोक अच्छे से समझ में भी आ सकता है और अच्छे से याद भी रखा जा सकता है। आज ही हमारे कदम करके एक प्रभु है, वो औरंगाबाद में रहते हैं, उनकी छोटी सी लड़की है 5-6 साल उम्र की, तो वो भी ये प्रवचन सुन रही है और उसने 5वां श्लोक गीता का दोहरा के बताया था कि उसका याद हो गया अभी केवल इतना सुन सुन के। तो ऐसे श्लोक बहुत आसान है, तो हम शुरू करेंगे। तत् तेज विद्धि मामकम, वह जो तेज आप देखते हैं वह मेरा ही है। तो जीव पर पड़े प्राकृत पदार्थों का प्रभाव हटाने के लिए भगवान अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए यह रहस्य प्रकट करते हैं कि उन प्राकृत पदार्थों में जो प्रभाव और महत्व देखने में आता है वह वस्तुतः मूल में मेरा ही है, उनका नहीं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि इस संसार में जो जीवात्माएं यानी हम हैं, हमारे ऊपर इस भौतिक पदार्थों का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा हुआ रहता है कि अरे क्या सुंदर निसर्ग है, सूरज का तेज देखो क्या चमक रहा है, 12 बजे का सूर्य उसकी तरफ देख भी नहीं सकते। तो इस प्रकार से हमारे ऊपर इस भौतिक संसार के जो आकर्षक तत्व है, जो श्रेष्ठ, अरे क्या शक्तिशाली व्यक्ति है देखो, तो इस प्रकार से सबका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो भगवान इसलिए उन जो प्राकृत पदार्थ है उनमें जो प्रभाव है वो प्रभाव अपना बता रहे हैं ताकि जीव के ऊपर भगवान का प्रभाव पड़ जाए। तो हमारे उधर हमारे ऊपर उन वस्तुओं का प्रभाव अभी पड़ रहा है, लेकिन उन वस्तुओं में या उन उन व्यक्तियों में उसमें जो वास्तव में तेज है या जो शक्ति है वो भगवान से ही आ रही है, और जब हम भगवान का हाथ देखेंगे उनके पीछे तब उस व्यक्ति और वस्तु से प्रभावित न होके
हम वास्तव में भगवान से प्रभावित हो जाएंगे और हमारी आंखें भगवान की ओर चली जाएगी। और जो अभी हम भगवान से उन्मुख हो गए हैं, दूर देख रहे हैं, तो हम भगवान के सन्मुख जा सकते हैं। तो ये सारा प्रकरण पांच चार श्लोकों का, उसमें भगवान कृष्ण अलग अलग सृष्टि में उन जो प्रभाव करने वाले वस्तुएं हैं उनमें जो तेज है वह स्वयं का तेज बताएंगे। तो सर्वप्रथम है आदित्यगतम यत् तेजः अखिलं जगत् भासेते तत् तेजः मामकं विद्धि। जो आदित्यगतम यानी सूर्य को जो तेज प्राप्त हुआ है, अब यहाँ पे बहुत सुंदर शब्द कृष्ण प्रयोग करते हैं भगवान, आदित्यगतम यहाँ का इसका अर्थ है जो सूर्य को प्राप्त हुआ है। तो मुझे कुछ चीज प्राप्त होती है मतलब वो मेरी नहीं होती है। जैसे यहाँ पे एक लड़का दिखाया गया है, उसके हाथ में 2000 रुपए की नोट थमा दी गई है, तो उस छोटे बच्चे को 2000 रुपए अभी प्राप्त हुए है मतलब वो उसके पास नहीं थे। तो उसी प्रकार से आदित्य गतम यत् तेजः, तो जो तेज सूर्य को प्राप्त हुआ है इसका अर्थ है कि वो सूर्य का नहीं है, प्राप्त हुआ है मतलब किसी और ने दिया है। तो किसी और ने मतलब किसने दिया है, तो भगवान कहते हैं मामकम, मैंने ही दिया हुआ है, वह मेरा ही तेज है ऐसा समझो। और अखिलम जगत भासयते, सूर्य तो सारे विश्व को प्रकाशित करता है ऐसा हम देखते हैं। तो हमने यह देखा था, आपको भी यह स्लाइड याद होगी, सूर्य प्रकाशित करता है इन तीनों लोकों को, भूर भुव स्वः, इन तीनों को प्रकाशित करता है सूर्य। तो इन तीनों में वास्तव में देखा जाए तो इसे अखिलम जगत यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है। तो इन तीनों को भूर्लोक भूवर्लोक और स्वर्लोक, इनको है सूर्य प्रकाशित करता है। और सूर्य कहाँ पर प्रकाशित नहीं करता है, तो सूर्य भगवान के धाम में प्रकाशित नहीं करता है, इसी 15वें अध्याय के 6 श्लोक में हमने देख रखा था। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भी देखिए, सूर्य का प्रकाश अखिल जगत को प्रकाशित करता है लेकिन भगवान के धाम को प्रकाशित नहीं कर पा रहा है। तो जो छोटी वस्तु है वो बड़े वस्तु के सामने टिक नहीं पाएगी। जैसा अभी इस कमरे में 2 ट्यूबलाइट चल रही है, यदि मैं छोटी मोमबत्ती जलाऊं तो वो मोमबत्ती का प्रकाश कुछ दिखेगा ही नहीं, तो मोमबत्ती इस बड़े ट्यूबलाइट को प्रकाशित नहीं कर सकती। तो छोटा लाइट बड़े लाइट को प्रकाशित नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से ये सूर्य जो है वो छोटा है और जहां से उसे तेज मिल रहा है मतलब भगवान से, वह भगवान को कैसे प्रकाशित कर सकता है या उनके धाम को कैसे प्रकाशित कर सकता है। तो इसलिए क्योंकि भगवान से ही जो तेज आ रहा है वो सूर्य को प्रकाशित करता है, इसीलिए इस 6 श्लोक में कहा गया था कि सूर्य भगवान के धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता। न तद भासयते सूर्यो, तद मतलब उस भगवान के धाम को नहीं प्रकाशित कर सकता है। तो इन दोनों श्लोकों से आज का जो श्लोक है 12वां श्लोक और ये 6 श्लोक, इन दोनों में कुछ हद तक साम्य दिखाई देता है। सूर्य का जो तेज है भगवान कहते हैं मुझसे ही आता है, और जो सूरज का तेज क्योंकि मुझसे आ रहा है वह मुझे प्रकाशित नहीं कर सकता। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपको एक बल्ब दिखाई दे रहा होगा, तो जो बल्ब है उस बल्ब में स्वयं प्रकाश प्रकट करने की शक्ति नहीं होती है, वह स्वयं प्रकाशित नहीं है, उसे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई चाहिए, कहीं से सप्लाई जब मिलेगा उसे, करंट मिलेगा तब जाके वो प्रकाश देगा। और जब इलेक्ट्रिसिटी से उसे डिस्कनेक्ट किया जाएगा तब वो एक साधारण बल्ब रहेगा जिसमें कोई प्रकाश नहीं है। तो उसी जिस प्रकार से इस बल्ब को प्रकाशित करने की शक्ति इलेक्ट्रिसिटी से मिल रही है, उसी प्रकार से सूर्य को प्रकाश देने की शक्ति भगवान श्री कृष्ण से मिल रही है, वो इस श्लोक का अर्थ है। और यदि भगवान श्री कृष्ण अपना तेज अपनी शक्ति निकाल ले तो सूर्य भी उसी प्रकार से रह जाएगा ऐसा बल्ब जो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड नहीं है।
मतलब इसे पिंड कहते हैं, केवल कुछ जैसे निर्जीव वस्तु। तो जिस प्रकार से आत्मा शरीर को प्रकाशित कर सकता है, या जब आत्मा और शरीर अलग है, उसी प्रकार से सूर्य और सूर्य का तेज अलग है, यह समझना चाहिए। आत्मा जैसे भगवान का अंश है, उसी प्रकार से सूर्य का तेज भगवान से आ रहा है, और शरीर जैसे प्रकृति स्थानी प्रकृति का अंश है, उसी प्रकार से जो सूर्य हमें दिखता है वो प्रकृति का ही अंश है, लेकिन उसके अंदर जो तेज है प्रकाशित करने का, जो अखिलम जगत भासयते, वो भगवान से आ रहा है। तो आप कहेंगे आधुनिक विज्ञान में तो हम सीख रखे हैं कि सूर्य स्वयं प्रकाशित है, सूर्य का खुद का प्रकाश है, और किस प्रकार से क्या क्या रिएक्शंस उस लोक पर होते हैं सूर्य ग्रह के ऊपर। तो आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, मॉडर्न साइंस क्या कहता है कि इस प्रकार से फ्यूजन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम जनरेट्स अ ह्यूज टेम्परेचर। तो हाइड्रोजन और हीलियम इनका फ्यूजन होता है और सूर्य का सरफेस का टेम्परेचर होता है 6000 केल्विन। तो ये ऐसा बताया जाता है। लेकिन अभी यदि मान भी ले कि ठीक है सूर्य के ऊपर इस प्रकार से हेलियम और हाइड्रोजन इनका विस्फोट होके प्रतिक्रिया रिएक्शन के रूप में इतना यदि टेम्परेचर हो रहा है, तो प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि ये क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। आधुनिक विज्ञान हमें केवल जो डिस्क्रिप्शन है वो बता सकता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है वो नहीं बताया जाता। जो गीता सब जो गीता में या वास्तव में जो इस विज्ञान से भी आगे का विज्ञान है उसमें बताया गया है कि तत्तेजः मामकं विद्धि। कृष्ण बता रहे कि वो तेज मुझसे आ रहा है ऐसा समझो, या मैं सूर्य को शक्ति प्रदान कर रहा हूं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सूर्य को जो प्रकाश मिल रहा है वास्तव में प्रकाशित करने का इस संसार को, वो भगवान से ही प्राप्त हो रहा है। तो देखिए भगवान से मिले हुए तेज के कारण जब सूर्य इतना विलक्षण और प्रभावशाली है, तब स्वयं भगवान कितने विलक्षण और प्रभावशाली होंगे, ऐसा विचार करने पर स्वतः भगवान की तरफ हम आकर्षित हो सकते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि भगवान इस संसार में अभी अपना तेज कहाँ कहाँ प्रकट हो रहा है, अपनी विभूति बताएंगे। तो यदि ये दिखने वाले वस्तुएं भी इतने आकर्षक और शक्तिशाली लगती है, सूर्य के ऊपर आज तक कोई नहीं जा पाया है, तो वो भी इतना प्रभावशाली और विलक्षण है, तो हम देख सकते हैं कि भगवान कितने विलक्षण होंगे। जैसे एक गाना मुझे याद आ रहा है, जैसे वो गाते हैं हिंदी फिल्म के, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। तो मतलब उन भगवान की मैं क्या तारीफ करूं जिन्होंने ये सारी सृष्टि की है। तो इस सारी सृष्टि में यदि इतनी हम लोग प्रभाव और इतनी विलक्षणता देख पा रहे हैं, इसका अर्थ तो भगवान में कितनी विलक्षणता और अद्भुत और आकर्षण करने की शक्ति होगी। लेकिन हम जीवात्माएं विषयान उपसेवते, विषयों का उपसेवन करने में इतने व्यस्त है कि उस तरफ हमारी दृष्टि भी नहीं जा रही है। तो हम लोग इनको देख सकते हैं, रोज हम लोग सूरज का दर्शन करते हैं, तो जब सूर्य का दर्शन करेंगे तो हमें समझना चाहिए कि सूर्य में भगवान से तेज आ रहा है और जिसके कारण हमें प्रकाश मिल रहा है, तो ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। और एक महत्वपूर्ण बात है कि जो सूर्य है वो हमारे नेत्रों के अधिष्ठात्रा देवता है, नेत्रों के देवता है, इसलिए नेत्रों में जो प्रकाश यानी जो देखने की शक्ति है वह भी वास्तव में परंपरा से देखा जाए तो भगवान से ही आई हुई समझना चाहिए। तो हम जब सुबह उठते हैं, जब आंखें खोलते हैं और जो देखते हैं, वो देखने की क्षमता, क्योंकि हमारे हर पुर्जे का अधिष्ठात्रा देवता है, हमारी आंखों के देवता है, हमारे हाथों के देवता है, हमारे मस्तिष्क के देवता है, हमारे नासिका उसके देवता है, और ये सारा उदाहरण जो है वो हमारे इंद्रियों के देवता। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय में जब सृष्टि निर्मिति हुई थी, उस समय इन सारे अधिष्ठात्राओं देवताओं का और ये जो सारे इंद्रियां हैं इनका एक साथ जन्म हुआ है ऐसा कहा गया है। तो हमारे आंखों के देवता है अधिष्ठात्रा देव सूर्यदेव, तो इसलिए सूर्यदेव से देखने की शक्ति आंखों को मिलती है। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आंखें सूरज के कारण देख पाती है, जैसे अंधेरा हो जाएगा तो हमारी आंखें कुछ नहीं देख पाएगी, तो सूरज के कारण आंखें देख पाती है और सूरज को प्रकाश मिल रहा है भगवान से,
तो वास्तव में देखा जाए तो हम देख क्यों पा रहे हैं, तो भगवान की कृपा से, भगवान के ही प्रकाश से हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये था पहला शब्द, आदित्यगतम यत् तेज तत् तेज विद्धि मामकम। दूसरा शब्द है यत् चंद्रमसी, चंद्रमा में भी जो तेज है तत् तेज मामकम विद्धि, चंद्रमा में भी जो तेज है उसे भी भगवान कह रहे हैं कि मेरा ही तेज समझो, मुझसे ही आ रहा है ऐसा समझो। तो वास्तव में हमें यह पता है कि चंद्रमा जो है वो केवल जो सूरज का प्रकाश है वही प्रतिबिंबित करता है, चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी यदि देखा जाए तो चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है, सूरज का ही प्रकाश उसे जाता है और वो केवल उसे रिफ्लेक्ट करता है और जिसके कारण हम चंद्रमा को देख पाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यदि सूरज के ही किरण वो रिफ्लेक्ट करता है, भेजता है, लेकिन सूरज के किरणों में गर्मी होती है और चंद्रमा के किरणों में शीतलता होती है कि नहीं, आपने भी अनुभव किया होगा। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि चंद्रमा में प्रकाश के साथ साथ शीतलता, मधुरता, पोषणता, ये सब गुण है, वास्तव में वो भगवान का ही प्रभाव दर्शाते हैं। तो जो सूर्य में और चंद्र में दो प्रकार की शक्तियां होती है, जो सूर्य है उसमें प्रकाशिका और दाहिका, प्रकाश देना और उष्णता, दाहिका, दहन कर सकता है सूर्य प्रकाश, तो ये शक्ति होती है। और चंद्रमा में भी जो है वो प्रकाशिका शक्ति होती है, रात को हम चंद्रमा के कारण देख पाते हैं, और पोषण शक्ति भी होती है। तो अगले आने वाले श्लोक में भगवान कृष्ण इस पोषण शक्ति के बारे में बताएंगे, अभी यहाँ पर चंद्रमा की प्रकाशिका शक्ति के बारे में भगवान बता रहे हैं। लेकिन वो प्रकाश भी किस प्रकार से है, वो प्रकाश भी शीतलता प्रदान करने वाला प्रकाश है। आप देखते हैं पूर्णिमा जब होती है रात के समय है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है और उस शीतलता के कारण हम जीवात्माएं अच्छे से सो सकते हैं। तो दिन में हम लोग कार्य कर सकते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं सूरज के प्रकाश के कारण, और रात में हम लोग अच्छी नींद ले सकते हैं क्योंकि शीतलता होती है चंद्रमा के कारण, तो इसलिए हम लोग अच्छे से सो भी सकते हैं। और चंद्रमा किसकी अधिष्ठात्रा देवता है, बताया जाता है चंद्रमा मन के अधिष्ठाता देवता है, इसलिए अतः मन में जो प्रकाश यानी जो मनन, चिंतन करने की जो शक्ति है हमारी, वह भी परंपरा से देखा जाए तो भगवान से ही आ रही है, ऐसा समझना चाहिए। तो मन में, मन के अधिष्ठाता देवता है चंद्रमा, मन यानी मनन करना, सोचना, विचार करना, वो जो शक्ति हमें मिलती है वो चंद्रमा से मिलती है और चंद्रमा को प्रकाश भगवान से मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से शरीर और आत्मा अलग है उसी प्रकार से चंद्रमा और चंद्रमा का प्रकाश अलग है, जो प्रकाश भगवान से आ रहा है और जो चंद्रमा ग्रह है वो इस प्रकृति का अंश है, जैसे शरीर प्रकृति का अंश है और आत्मा भगवान का अंश है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से चंद्रमा को जो प्रकाश मिल रहा है वो भगवान से ही मिल रहा है, ऐसा हमने समझना चाहिए। आगे तीसरा है यद अग्नौच, अग्नि में भी जो तेज है तत् तेज मामकम विद्धि। तो अग्नि में भी जो तेज होता है, अग्नि में भी वास्तव में तेज कहां से आता है, वैसे देखा जाए तो सूर्य से ही सब कुछ तेज आ रहा है इस संसार में, क्योंकि जब गीली लकड़ी होती है तब वो जल नहीं पाती, जब हम उसे सूर्य प्रकाश में रख देते हैं तो उसके अंदर का जल चला जाता है, तो सूर्य प्रकाश के ही कारण वास्तव में अग्नि भी जो है वो उसमें भी प्रकाशिका और दाहिका शक्ति शक्ति प्रवेश करती है। तो जो अग्नि में वास्तव में जो तेज है, भगवान कृष्ण कहते हैं तत् तेज मामकम विद्धि, उस तेज को भी मुझसे आ रहा है ऐसा समझो। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि अग्नि जल रही है लेकिन भगवान ने अपना तेज निकाल दिया है तो अग्नि जला नहीं सकती। एक उदाहरण मैं आपके सामने बताऊंगा, प्रहलाद महाराज, श्रीमद भागवत के सातवें स्कंद में वर्णन आता है, जब हिरण्यकशिपु मतलब प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु प्रहलाद को, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे और हिरण्यकशिपु एक नंबर का राक्षस था, तो वो प्रहलाद को मारना चाहते थे क्योंकि वो विष्णु की भक्त थे।
तो मारने के लिए अलग अलग प्रयास उनने किए थे, पर्वत से फेंका गया था, हाथी के नीचे कुचलने का प्रयास किया गया था, उबलते हुए तेल में जलाने का प्रयास किया था। और उसकी एक बहन थी, ऐसा कहा जाता है, जिसका नाम था होलिका। तो होलिका को एक वरदान मिला था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती। तो हिरण्यकश्यपु ने होलिका से कहा कि आप प्रहलाद को लेके अग्नि में चले जाओ, और आपको तो वरदान है कि आप जलेगी नहीं अग्नि में, तो प्रहलाद जरूर जल जाएगा। तो होलिका लेके बैठ गई प्रहलाद को। आप देख रहे इस चित्र में कि होलिका लेके बैठ जाती है, लेकिन वो होलिका स्वयं जल जाती है, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं होता है। तो इसमें कैसे भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से संरक्षण प्रदान किया प्रहलाद महाराज को, तो उन्होंने जो अग्नि का अपना जो तेज है जलाने की शक्ति, वो उस समय वहां से निकाल ली। अग्नि तो जलने का काम, जलाने का कार्य कर रहा था, लेकिन यदि तेज ही निकाला गया है तो क्या जला सकता है भले। और उसी के याद में रखते हम भारत में होली महोत्सव मनाते हैं कि ऐसी होली का जल गई लेकिन प्रहलाद नहीं जले। तो प्रहलाद का गुणगान का वास्तव में ये महोत्सव है, लेकिन इसमें आजकल लोग केवल लकड़ी जलाते हैं और शराब आदि पीते हैं, होता कुछ और नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर कहने का मुद्दा यह है कि भगवान कृष्ण के तेज के कारण ही अग्नि में किसी चीज, किसी वस्तु को जलाने की शक्ति आती है, और भगवान चाहे जब वो शक्ति निकाल सकते हैं। तो जैसे एक बार यहाँ पे प्रहलाद महाराज के लिए भगवान कृष्ण ने अपना तेज, जो अपनी शक्ति निकाल ली, और अग्नि कुछ नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं यहाँ पर। और अग्नि जो है उस वो वाणी के अधिष्ठाता देवता है। जैसे हमने कहा था सूर्य हमारे नेत्र के अधिष्ठाता देवता है, चंद्र हमारे मन के अधिष्ठाता देवता है, और उसी प्रकार से जो अग्नि देव है वो अग्नि हमारी वाणी, मतलब हमारा जो स्वर स्वर है, वाणी है, उसके अधिष्ठाता देवता है। अतः वाणी में जो प्रकाश यानी अर्थ प्रकाश करने की शक्ति है, जो बोल सकते हैं हम लोग, वह भी परंपरा से भगवान से आई हुई है, ऐसा समझना चाहिए। तो मैं अभी इतने समय से बोल रहा हूं, तो जो बोलने की शक्ति है वास्तव में वो आ कहां से रही है, तो इस बोलने की शक्ति का अधिष्ठाता देवता है अग्नि। और अग्नि को तो तेज मिल रहा है वो सूर्य भगवान कृष्ण से मिल रहा है। तो एक दृष्टिकोण से जो बोलने की शक्ति है वो परंपरा से जोड़ दे हम लोग, तो भगवान कृष्ण से ही आ रही है, ऐसा हमने मानना चाहिए। जैसे कल्पना कीजिए तीन व्यक्ति है, ए बी और सी। तो ए व्यक्ति को बी ने 100 रुपए दिए और बी को वो 100 रुपए सी ने दिए थे। तो वास्तव में ए को मतलब क्या समझना चाहिए कि मुझे सी से ही 100 रुपए मिले हुए हैं। तो इसी प्रकार से ये जो सूर्य है या चंद्रमा है, ये जो अग्नि है, इनको जो तेज मिल रहा है वो तेज भगवान से आ रहा है, और हमारे तीन इंद्रियों के स्वामी ये तीन देवता है। हमारे नेत्रों के स्वामी है सूर्यदेव, हमारे मन के स्वामी है चंद्रदेव, और हमारे वाणी के स्वामी है अग्निदेव। तो इस प्रकार से इन तीनों देवताओं को शक्ति प्रकाशन करने की यदि भगवान से आ रही है, उसी प्रकार से हमारे नेत्रों में देखने की शक्ति, मन में विचार और चिंतन मनन करने की शक्ति, और वाणी में अर्थ प्रकाश करने की शक्ति और बोलने की शक्ति जो है, वो केवल और केवल एक दृष्टिकोण से यहाँ पर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण से ही आ रही है, ऐसा समझना चाहिए। बहुत जल्दी दिवाली आने वाली है, इसलिए ये आपको एडवांस में हम लोग मिठाई दे रहे हैं। तो इस चित्र का यहाँ पे क्या तात्पर्य है, बहुत सुंदर इस उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। तत् तेज विद्धि मामकम, जो कृष्ण कहते हैं कि वो जो तेज है वो मुझसे आ रहा है, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे जो लड्डू, मोतीचूर के लड्डू अच्छे दिखने वाले जो रखे गए हैं, इनको ये बहुत मीठे होते हैं, है कि नहीं, और सबके पसंदे भी होते हैं। तो वास्तव में इनकी जो मिठास है वो कहाँ से आ रही है, तो मिठास शक्कर से आ रही है। तो यदि शक्कर निकाल ली जाए तो इनमें मिठास रहेगी ही नहीं, कोई खाना पसंद भी नहीं करेगा इन्हें। तो इनकी जो मिठास है, जिस प्रकार से इस लड्डू के अंदर मिठास शक्कर से आ रही है, उसी प्रकार से सूर्य चंद्र और अग्नि का जो प्रकाश है, तेज
प्रकाशित करने का तेज तेज जो है वो भगवान कृष्ण से आ रहा है और उतना ही महत्व रखता है जितना शक्कर लड्डू में महत्व रखती है। तो शक्कर से ही सारे पदार्थ मीठे बनते हैं, तो यदि शक्कर निकाल ली जाए तो उनका मिठास चली जाएगी। तो इस प्रकार से भगवान, देखिए हम लोग भगवान का हाथ इस संसार में कण कण में देख सकते हैं। और केवल यही तेज नहीं, यहाँ पे तो केवल उदाहरण के लिए भगवान कृष्ण, सूर्य, चंद्र और अग्नि, इनके तेज के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। लेकिन वास्तव में यदि सातवां अध्याय हम लोग गीता का देखते हैं तो उसमें भी 9, 10, 11 उन श्लोकों में भगवान कृष्ण बताते हैं, बलम बलवताम चाहम राग काम राग विवर्जितम। जो बलवताम जो बलशाली लोग हैं उनके अंदर का बल मैं हूँ, तपस्यास्मि तपस्वी नाम, जो तपस्वी लोग है उनके अंदर जो तपस्या है वो मैं हूँ। तो इस प्रकार से भगवान गीता के 10वें अध्याय में जिसका शीर्षक ही है विभूति योग, उसमें किन किन तत्वों में अपनी विभूति प्रकाशित करते हैं भगवान, इसका विस्तार से उन्होंने वर्णन किया हुआ है। और उसी 10वें अध्याय के आखिरी श्लोकों में यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं, यद्यद् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि यद्यद् विभूतिमत् सत्त्वं, तो इतनी जो विभूतियां, जो इतने सारे ऐश्वर्य आप देख सकते हैं, श्रीमद् जो सौंदर्य आप देखते हैं, ऊर्जितम जो शक्ति जो बल आप देखते हैं, तत्तद् एव अवगच्छत्वम्। अवगच्छ यानी जानो, अवगच्छ और विद्धि ये दोनों एक ही शब्द है। अवगच्छ यानी ऐसा समझो, ऐसा जानो, क्या मम तेज अंश संभवम, वो मेरा पूरा भी प्रकाश नहीं है वो विभूति। मम तेज, यहाँ पे देखिए तेज मामकम जो लाल अक्षर में दिखाई दे रहा है कर्सर के साथ, तेज मामकम मम तेजो, वो मेरा ही तेज है अंश, और कितना, मेरा पूरा तेज नहीं है, तेज अंश संभवम। तो अंश शब्द हमें यहाँ पर अंश है, तो अंश शब्द हमने देखा था 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, जीवात्मा के लिए भी भगवान कृष्ण प्रकट करते हैं कि मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। तो जीवात्मा को भगवान कृष्ण ने अंश कहा था, उसी प्रकार से इन सारी तेजस्वी ऐश्वर्यशाली महान विभूतियों में जो तेज है भगवान कहते हैं वो मेरा अंश है। वो वस्तुएं तो प्रकृति की है, प्राकृतिक है, जैसे सूर्य ग्रह देख लीजिए या चंद्रमा देख लीजिए या अग्नि वस्तु देख लीजिए, तो उनमें जो वास्तव में तेज है, तब तेजो विद्धि मामकम या मम तेजो अंश संभवम एक ही है। तो दोनों लाल अक्षर में यहाँ पर इंगित किए गए हैं। तो वह जो तेज है वो मेरा ही है ऐसा समझो, ऐसा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो अंश मतलब वो भी भगवान, वो जो उनके अंदर जो शक्ति आ रही है वो भी भगवान से आ रही है, और हम भी जीवात्मा भगवान के ही अंश है। तो जब हम उनको भगवान का अंश मानेंगे तो उससे हमारी दृष्टि भगवान की ओर जाएगी और हम इन वस्तुओं का प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं, आगे चल के हम भगवान के ऐश्वर्यशाली प्रभाव से प्रभावित हो जाएंगे। जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा था 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में, वन शुड बी फैसिनेटेड बाय दिस इंफॉर्मेशन, एक व्यक्ति आकर्षित हो जाना चाहिए भगवान की ओर देख के कि मेरे वास्तव में मैं देख पा रहा हूँ कृष्ण की वजह से, मैं चिंतन मनन कर पा रहा हूँ भगवान कृष्ण की वजह से, और मैं जो बोल पा रहा हूँ वो भी शक्ति वास्तव में भगवान से आ रही है। भगवान चाहे तो एक क्षण में इन सब शक्तियों को निकाल सकते हैं, लेकिन कृपावश उन्होंने मुझे दी है, तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि उनको मैं उनकी ही सेवा में प्रयोग करूं। तो यदि कोई मुझे, जैसे कहते ना कि पिताजी अपने बेटे को 100 रुपया देते हैं तभी देंगे जब उन्हें पता है कि वो अच्छे कार्य के लिए प्रयोग करेगा, वो यदि दुरुपयोग करने वाला है, शराब पिएगा, कुछ अलग गलत कार्यों में लगाने वाला है, तो पिताजी का वो अविश्वासु बच्चा हो जाता है, पिताजी फिर वापस पैसा नहीं देंगे। तो उस प्रकार से यदि उस लड़के को पिताजी का विश्वास हासिल करना है और उनका एक कर्तव्य दक्ष पुत्र बनना है और फिर उससे उनकी विरासत प्राप्त होने वाली है उस बच्चे को, उसी प्रकार से हम भगवान के अंश होने के कारण भगवान ने जो कुछ हमें दिया हुआ है, जो कुछ शक्तियां हमें मिली हुई है, बोलने की हो, देखने की हो, सुनने की है, जो कुछ, वो जब हम उनकी सेवा में प्रयोग करेंगे तब भगवान को विश्वास हो जाएगा कि ये विश्वास पात्र बेटा है मेरा,
इसे मैं हमारी मेरी धरोहर दे दूंगा और फिर उस प्रकार से हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। उस प्रकार से भगवान का धाम हमें मिल सकता है। कब मिलेगा? जब हम उनसे मिला हुआ सब कुछ भगवान की ही सेवा में उनके कार्य के लिए प्रयोग करेंगे। और इसका एक और तात्पर्य होता है कि जो हम यहाँ पर देख रहे हैं इसी श्लोक का, यदा आदित्य गतम चेजो, तो ये सब कुछ हमें मिला हुआ है, इसलिए वह व्यक्ति भगवान के प्रति कृतज्ञता जताता है कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जो कुछ दिया हुआ है जीने के लिए, वास्तव में जो कुछ आवश्यक होता है वो सब कुछ भगवान ने हमें दिया हुआ है। आज हम लोग देख पा रहे हैं, आप स्क्रीन की ओर देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो वास्तव में हमें इतना सब कुछ मिला, हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग सुन पा रहे हैं, हम लोग बोल पा रहे हैं, हम लोग समझ पा रहे हैं, ये सारी शक्तियां वास्तव में भगवान ने हमें दी है। तो इसका हम लोग प्रयोग अच्छे से करें और भगवान को दिन में एक बार कम से कम धन्यवाद अदा करें कि हे भगवान, आपने जो कुछ हमारे पालन पोषण के लिए संसार में दिया हुआ है उसके लिए हम आपके ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं। तो इस प्रकार से सारांश में हमने आज देखा कि आदित्यगतम यत् तेजः अखिलं जगत् भासेते, सूर्य को जो तेज प्राप्त हुआ है, आदित्यगतम सूर्य को जो तेज प्राप्त हुआ है, वह तेज जो जिससे वह सारे जगत को प्रकाशित करता है, भूर भुव स्व लोक को प्रकाशित करता है, तत् तेजः मामकं विद्धि, वह तेज मुझसे ही आया हुआ है ऐसा समझो। और हमने देखा कि हमारी आंखों के अधिष्ठाता देव सूर्य है, इसलिए हमारे देखने की जो शक्ति है वो भी वास्तव में भगवान से ही आ रही है ऐसा समझना चाहिए। यह चंद्रमसी, चंद्रमा में भी जो तेज है वो भी भगवान से ही आया हुआ है, तत् तेजः मामकं विद्धि, वो भी मेरे मुझसे ही आ रहा है ऐसा समझो। चंद्रमा हमारे मन के अधिष्ठाता देव है, इसलिए हमारे अंदर मनन करने की, सोचने की, विचार करने की जो शक्ति है वो भी वास्तव में भगवान से ही आ रही है ऐसा समझना चाहिए। और यद अग्नौच, अग्नि में भी जो तेज है वो वास्तव में भगवान से ही आ रहा है ऐसा समझना चाहिए। और अग्नि का हम लोग दैनंदिन जीवन में कितना प्रयोग करते हैं, हमें खाना बनाना है तो अग्नि की आवश्यकता होती है, पचाना है तो अग्नि की आवश्यकता होती है, वास्तव में आगे वो आएगा उसका वर्णन। लेकिन अग्नि के बगैर हम लोग जीवन भी यापन नहीं कर सकते। और अग्नि खास करके हमारे वाणी के देवता है, तो वाणी को प्रकाशित करने की, अर्थ प्रकाश करने की शक्ति भगवान से ही आ रही है ऐसा हमने समझना चाहिए। और जब भगवान चाहे तो वो तेज कभी भी निकाल सकते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज को बजाने के लिए भगवान ने अपना तेज निकाल लिया और प्रहलाद महाराज की रक्षा की। तो इसी प्रकार से जो अग्नि का जो तेज है वास्तव में भगवान से ही आ रहा है। और हमने देखा था कि किस प्रकार से जो भी मिठाई होती है, लड्डू होते हैं, वो तो उदाहरण सबको अच्छे से याद रहेगा, तो जो लड्डू है या जो भी मिठाई है उसको जो मिठास प्राप्त हुई है वो शक्कर के कारण है, न कि उस स्वयं के बलबूते पे है। तो उसी प्रकार से ये जो सारे प्रकाश प्रकाशित करने वाले तत्व या विभूति व ऐश्वर्यशाली जो भी तत्व हमें सुंदर, जो भी तत्व इस संसार में देखते हैं, वास्तव में वो भगवान के ही अंश है। यद यद विभूतिमत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेवा तत्त एवावगच्छत्वम मम तेज अंशः संभवम, वो मेरा ही अंश है ऐसा भगवान ने 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में भी कहा था। और जब हम ये सब समझ लेते हैं तब हमने यह समझना चाहिए कि ये भगवान ही है जो सब कुछ कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये सारा प्रदान किया हुआ है, इसलिए दिन में एक बार कम से कम मैंने उन्हें धन्यवाद अदा करना चाहिए और ऋणी रह के उनके चिंतन में, उनकी सेवा में निमग्न होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। कल्पना करते हैं कि आपको समझ में आया ही होगा, ज्यादा कठिन तो था नहीं। मैंने चैट बॉक्स भी एनेबल किया है, आप चैट में भी प्रश्न लिख सकते हैं। नित्य प्रेसी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
प्रभु जी, मुझे ये जानना था कि जैसे आप कह रहे हैं, बताया कि सूर्य जो है हमारा एक जो ब्रह्मांड है उसमें तीन लोक जो है हमारे भुवा स्वा और भूर, तो इनको तो सूर्य देवता वो कर रहे हैं प्रकाशित, तो जो ऊपर के लोक है और नीचे के लोक है, नीचे के लोक शायद वो नाग जो अनंत शेष की मणि से ऐसे करके शायद आपने बताया था, और ऊपर वाले लोगों को कौन कर रहे हैं फिर प्रकाशित? ऊपर वाले लोगों को जैसे हमने कहा था कुछ हद तक वो स्वयं प्रकाशित रहते हैं, और जो ब्रह्म तेजस है उनसे वो प्रकाश उत्पन्न होता है ऊपर वाले लोग, मतलब स्वर्ग से ऊपर। हाँ, ब्रह्म तेजस से वो प्रकाशित होते हैं, और नीचे वाले लोग जो है वो नाग मणियों के द्वारा प्रकाशित रहते हैं। अच्छा, मणि मतलब ब्रह्मा जी का तेज भी भगवान से ही आया फिर? हाँ, वो भी तेज भगवान से आया है, ब्रह्म तेजस। अच्छा, तो हर ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है? हाँ। अनंत ब्रह्मांड है तो एक ही सूर्य है सब जगह? बस नहीं, एक ब्रह्मांड में एक सूर्य, तो अनंत ब्रह्मांडों में अनंत सूर्य रह जाएंगे। तो अनंत ब्रह्मा में एक 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 सूर्य हुआ ना, तो अनंत सूर्य हो गए ना? हाँ, हो गए ना अनंत सूर्य अनंत ब्रह्मांडों में। दो सूर्य कहीं पर भी नहीं है ना? दो सूर्य तीन सूर्य ऐसे नहीं है किसी ब्रह्मांड में? नहीं, हर ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है। अच्छा अच्छा, और 14 लोक होते हैं हर जगह? हाँ, हर जगह 14 लोक होते हैं। अच्छा प्रभु जी, तीन आपने वो बताए, वाणी के देवता, और ये तो समझ आ गया, अग्नि और चंद्रमा और वो क्या कहते हैं सूर्य देवता, और किसी का भी थोड़ा पता है? यदि आपको पता तो होगा ही, भागवत के यदि आप दूसरा स्कंद देखेंगे तो उसमें विस्तार से सारा वर्णन आया हुआ है, दूसरे स्कंद का पांचवा अध्याय जैसे मैंने बताया था। और आपको यदि और भी कुछ चाहिए तो हमारे कानों के भी देवता होते हैं जिन्हें दिग देवता कहते हैं, हमारी जो त्वचा है ना, त्वचा स्किन, उसके वायु देवता है, हमारे नासिका जो है ना उसके अश्विनी कुमार देवता है, हमारी जिह्वा है उसके वरुण देव है, हमारे हाथ है उनके इंद्रदेव है, हमारे पैर है उनके उपेंद्र जी है, हमारे जो वाणी के अग्नि है, और इस प्रकार से सारे अवयवों के देवता उसमें वर्णन किया गया है। अच्छा, उसमें मिल जाएंगे जब रीड करेंगे? हाँ, दूसरे स्कंद का पांचवा अध्याय, और मैं आपको बताऊं चाहिए तो 21वें श्लोक से 31वें श्लोक तक। अच्छा, 21वें से 31 से 31 श्लोक, दूसरा स्कंद पांचवा अध्याय। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कविता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ये प्रभु जी, आप ये श्लोक समझा रहे हैं ना अन्वय के साथ, तो ऐसा दूसरे चैप्टर्स के भी मिलेंगे कहीं, होते हैं कि आप ही बनाते हैं? इसके मिलेंगे एक कुछ हद तक मिल सकते हैं आपको, जैसे एक संस्कृत गीता ग्रामर करके एक किताब है, वृंदावन में RLBS वहां पर ये किताब अवेलेबल है, तो उसमें कुछ हद तक उन्होंने कर दिए हैं, तो लेकिन ये इस प्रकार से डायग्राम बना के वैसे वगैरह तो नहीं है, ये तो हमारे प्रेजेंटेशन में बनाया है, लेकिन उसमें भी कुछ हद तक दिया गया है अन्वय के साथ। प्रभु जी, आप ही लीजिए, हमें सिखा दीजिए पूरी गीता, हम तो नहीं समझ पाएंगे, मिलेगा तो भी हमारा प्रयास। आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। पुनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये एक है कि ये श्लोक 1-6 है, उसमें किस चीज का वर्णन आपने बताया? किसमें किसमें श्लोक? श्लोक 1-6, 7-11 और 12-15। हाँ हाँ हाँ, तो 1-6 में इस जगत का वर्णन है। जगत का, ओके। और उसे असंग शस्त्र से काटना है और उस धाम की प्राप्ति करनी है जहाँ से वापस नहीं आएगा व्यक्ति। जी प्रभु जी, हाँ। और 7-11 जीवात्मा का, ना? 7-11 जीवात्मा का वर्णन है। और 12-15? 12-15 भगवान इस संसार में हमारे पालन पोषण के लिए कैसे व्यवस्था किए हुए है, जो जीव अभी यहाँ पे आया हुआ है इस जगत में उसका पालन पोषण तो भगवान को करना होगा, तो भगवान किस प्रकार से करते हैं उसका वर्णन 15वें श्लोक तक है, 12-15।
जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. हाँ. प्रभु जी बहुत अच्छा समझाते हो. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्ण. सहदेव जी आप अनम्यूट करेंगे? सहदेव जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी होगी. पंजवानी जी मैंने आपको अनम्यूट किया है. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रभु जी. आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, आ रहा है. हाँ प्रभु जी तीन शक्तियां हैं. आवाज ब्रेक हो रहा है. अंतरंगा शक्ति बहिरंगा. हरे कृष्णा. आ रहा है अभी आवाज? हाँ, बरोबर आ रहा है, आ रहा है. हाँ प्रभु जी दंडवत प्रणाम. भगवान की तीन शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति. हम तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं जीवात्मा. हाँ, हाँ, हाँ. तो उसमें जो है ना, एक तो हम अंतरंगा शक्ति के अधीन है या तो फिर बहिरंगा शक्ति के अधीन है. जो महात्मा लोग है, मेरे हिसाब से सही है क्या रहा हूँ आप बताइए, मेरे को गाइड कीजिए. अंतरंगा शक्ति के अधीन महात्मा और शुद्ध भक्त आते हैं और बद्ध जीव बहिरंगा शक्ति के है. जो साथ बहिरंगा नहीं, बहिरंगा तटस्थ में आता है. हाँ ना, बद्ध जीव में. हाँ तटस्थ है. बद्ध जीव किसके अंतरंग आएंगे? बहिरंगा शक्ति. तटस्थ नहीं, आदिन आदिन आदिन. किसके आदिन है? जीव. जीव दोनों जीव है ना, जीव दोनों के अधीन हो सकता है. बहिरंगा के भी हो सकता है और अंतरंगा शक्ति के अधीन हो रहा. दोनों के अधीन हो सकता है. हाँ तो बीच में जो साधक है वो किसके अधीन है, जो भक्ति में लगे हुए है? जो भक्ति में लगे हुए है वो भी अभी तटस्थाई है, लेकिन उनके पैर जैसे हमने कहा ना, कभी यहाँ कभी यहाँ होते हैं. कभी वो भौतिक में स्थित होते हैं तो कभी आध्यात्मिक में स्थित होते हैं. जब सिद्ध बन जाएंगे साधना करते करते, तब वो पूरी पूर्ण मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति के अंदर चले जाएंगे. महात्मानास्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्. तो 90 श्लोक में भगवान कहते हैं वो महात्मा लोग हैं जो दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं पूरी तरीके से, अनन्य भाव से उनका भजन होता है, तो वो सिद्ध के लिए कहा गया है. तो हम तो साधक है, सिद्ध नहीं है. तो साधक को सिद्ध बनने के लिए ज्यादा करके उस दैवी प्रकृति का आश्रय लेना चाहिए, मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति का. समझ में आ रहा है? हाँ प्रभु जी. तो फिर हम तो भी बहिरंगा शक्ति का ही अधीन है ना, इसका मतलब हम दोनों, कभी यहाँ कभी वहां, इस प्रकार से है हमारा. अच्छा ऐसा समझना चाहिए क्या, जब अच्छा जप हुआ तो अंतरंगा शक्ति है, जब अच्छा जप नहीं हुआ तो फिर ऐसे समझ सकते हैं कुछ हद तक. अच्छा हमने कल वो दो दोष देखे थे ना, अकृतात्मान और अचेतसः, ये दो दोष है. तो हम लोग भौतिक प्रकृति के अंडर है. अच्छा. और वो दो दोष जब निकल जाते हैं तब हम आध्यात्मिक प्रकृति अंतरंग शक्ति के अंदर चले जाते हैं. प्रभु जी. प्रभु जी. हाँ सहदेव. कौन? हाँ सहदेव जी बोलिए. प्रभु जी हमको ऐसा लग रहा है जिस आपने जो बताया ऐसा कि होल यूनिवर्स इज फिजिकल वन, बट मोर देन फिजिकल इट इज स्पिरिचुअल वन. फिजिकल तो है लेकिन स्पिरिचुअल ज्यादा है, ऐसा लग रहा है. ये बात हमको ऐसे लग रही है ना. यदि हमें केवल हाँ? उस दृष्टि का विकास करना है. जैसे हम लोग दिन में तो सूरज को देखेंगे तो भगवान की याद आनी चाहिए. तो इसी प्रकार से सातवां अध्याय दसवां अध्याय आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस सृष्टि में भगवान के अलावा कोई है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं. नहीं नहीं है कि नहीं? अगर आप सन का बोल रहे हैं तो सन के जो रेज है वो सन भी फिजिकल है लेकिन इट इज मोर देन फिजिकल, इट इज मोर देन, इट इज स्पिरिचुअल. यस यस ऐसा लग रहा है. यस यस इट इज राइट. तो इसलिए हमको बहुत ही बढ़िया, आपको बहुत ही बढ़िया आपने बताया. थैंक यू. हरे कृष्ण प्रभु जी. बहुत ही अच्छा. थैंक यू. हरे वंदना माता जी मैंने आपको अनम्यूट किया है. हरे कृष्णा प्रभु जी. दंडवत प्रणाम. थैंक यू फॉर द क्लास. प्रभु जी ये पूछना था कि जैसे जो आप बताए हैं कि हम लोग
पढ़ते हैं कि जब आत्मा भगवान से विमुख हो जाती है, वो मतलब उन्मुख हो जाती है, तब वो मटेरियल वर्ल्ड में आ जाती है, इस भौतिक संसार में आ जाती है, राइट? तो उसके आने के बाद में क्या वो सारी 84 लाख योनियों में से होके जाती है, तब उसको मनुष्य शरीर मिलता है, ऐसा है क्या? हाँ, उसको देखो, वहां से जब आत्मा आएगी तब कभी ब्रह्मा जी बनना होगा उन्हें, कभी कुछ दूसरा योनि बनना होगा, और तो उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। फिर चल के मनुष्य योनि कब कब कभी कभार मिलेगी उन्हें। ओके, तो कुछ पता नहीं है कहाँ जाएगा? नहीं, इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल सकती। गरुड़ पुराण में कुछ हद तक इसकी जानकारी दी गई है कि उसका भ्रमण कैसे चलता है, कितने समय के लिए कैसा कैसा होता है, लेकिन उतना अधिक विस्तार से वर्णन नहीं दिया गया है इसका। तो वो हम लोग, वो एक तरह से गोपनीय है, मतलब वो इट्स हिडन, हमें ये पता नहीं चल सकता क्या होगा आत्मा का अगर वहां से निकल, अगर आप उन्मुख हो जाते हो तो आपका क्या होने वाला है नहीं मालूम। ये सूक्ष्म विज्ञान है। हाँ जी, इसलिए हम लोग हमारे स्थूल इंद्रियों के द्वारा इसको प्रकाशित नहीं कर सकते। नहीं, हाँ, है विज्ञान है वो, लेकिन सूक्ष्म है, उसे समझने के लिए हमें उस हद तक प्रगति करनी होगी और सूक्ष्मतम वस्तुओं को समझने की शक्ति विकसित करनी होगी। तो कोई कोई किस प्रकार के योगी होते हैं, योगिक शक्तियों के द्वारा, या फिर जो प्रगत भक्त है वो अपनी साधना के बल पर कुछ हद तक समझ पाएंगे इसे। जी जी, थैंक यू। हरे नासिक रोड, श्रीनाथ पंडित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। आप हर रोज बहुत अच्छे तरीके से प्रवचन क्लास दे रहे हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो भगवान से सूर्य को प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश का हम उपभोग ले रहे, तो हम कैसे उनके प्रति, अपने सूर्य के प्रति या भगवान के प्रति, हम तो ऋणी हो गए, तो हम ये ऋण कैसे अदा करेंगे, ये भी थोड़ी जानकारी चाहिए इसमें, ऐसा। जी हाँ, जब व्यक्ति इस संसार में आ जाता है उसके ऊपर खास करके तीन प्रकार के ऋण होते हैं। एक है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, और तीसरा होता है पितृ ऋण। तो पितृऋण कैसे हम लोग चुकता करते हैं, पितरों को, जैसे अभी पितृपक्ष हो गया उसमें पिंडदान करके, या गृहस्थ है वो संतति उत्पन्न करके वो पितृ का ऋण से मुक्त हो सकते हैं। एक होता है ऋषि ऋण, तो ऋषियों के ऋण से हम लोग कैसे मुक्त हो सकते हैं कि जो ऋषि हमारे लिए शास्त्र छोड़ के गए हैं, जैसे व्यासदेव, महाभारत, भागवत, ये ग्रंथ छोड़ के चले गए, भगवद्गीता आदि, और वाल्मीकि ऋषि रामायण छोड़ के चले गए। तो इस प्रकार से ऋषियों ने जो शास्त्र छोड़े हुए हमारे लिए, उनको जब हम पढ़ते हैं तब जाके उनका ऋण हम लोग अदा कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और अगला है देव ऋण। तो देव ऋण कैसे है, देव ऋण यज्ञ करके अदा किया जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देव ऋण हम लोग यज्ञ करेंगे, लेकिन कलयुग के लिए सबसे बड़ा यज्ञ है यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसः। तो संकीर्तन यज्ञ इस कलयुग के लिए बताया गया है। तो जब हम संकीर्तन में भाग ले रहे हैं तो उसे हमें यज्ञ ही समझना चाहिए, और जब हम उसे उस भावना में, यज्ञ की भावना में जब हम संकीर्तन करते हैं, तब जो है वो ये ऋण भगवान का उससे हम लोग चुकता हो सकते हैं। तो उस ऐसी कृतज्ञता के भावना में हमने भक्ति के विधि का पालन करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। जोरकर प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा। यस प्रभु। प्रभु, आपने आपने जो बताया है लास्ट स्लाइड में कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए दिन में एक बार कम से कम, बहुत बार देखा जाता है कि हम प्रार्थना करते हैं तो
मेजॉरिटी ऑफ द टाइम और मेजॉरिटी ऑफ द उनका मांगने का ज्यादातर उनसे भगवान से मांगने का ज्यादा रहता है. तो थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए कि भगवान से प्रार्थना में इट इज नॉट ओनली बीइंग ग्रेटफुल और इंडेब्टेड टू लॉर्ड, दिस इज मोर देन, प्रेयर्स आर मोर देन दैट. तो थोड़ा उसका क्लैरिटी हम सबके लिए जरा दीजिए. जो हम लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं उसमें उसके कुछ घटक होते हैं. तो घटक किस प्रकार के होते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारा आना चाहिए कृतज्ञता का भाव कि बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं. और दूसरा उसमें होना चाहिए भगवान का गुणगान कि भगवान आप कितने श्रेष्ठ हैं, आप उनकी सुंदरता का वर्णन करने वाले श्लोक होते हैं. और तीसरा उसका घटक है दैन्य बोधिका प्रार्थना कहा जाता है. दैन्य बोधिका का अर्थ है कि हमारी परिस्थिति का बखान करना भगवान के सामने. जैसे भक्तिवन ठाकुर करते हैं, अमार जीवन सदा पापरत नाही कपुण्य रलेश, कि किस प्रकार से मैं आपसे उन्मुख होके मैं यहाँ पे भोग लेने का प्रयास किया लेकिन दुखी हुआ, अभी मुझे समझ आई है, अभी मैं आपको शरणागत हो रहा हूँ. तो ये प्रार्थना के घटक बताए गए हैं. और जो आप बोल रहे हैं वो तो घटक बताया ही नहीं गया है कि भगवान, गॉड इज नॉट अवर ऑर्डर सप्लायर. भगवान से हमने कभी कुछ हमारे लिए ऐसे कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्ति की परिभाषा ही होती है कि अन्य अभिलाषता शून्यम. तो हम, लेकिन फिर भी ये अभिलाषा नहीं है, इसे अभिलाषिता कहा गया है. उसमें भी यदि हम लोग बहुत संकट में हैं या बहुत बड़ी मात्रा में कुछ या जीवन मरण का प्रश्न है, उस समय हम लोग भगवान को चाहिए तो प्रार्थना कर सकते हैं. जैसे द्रौपदी के ऊपर बहुत संकट था, उनका जब वस्त्रावरण हो रहा था उस समय उन्होंने गोविंद दामोदर माधव करके पुकारा और भगवान वहां पर सारी के रूप में प्रकट हो गए उनके लिए. तो जब बहुत ही विकट परिस्थिति है तब उस समय कोई व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है. लेकिन जब हम दैनंदिन रूप में प्रार्थना करते हैं तो उसमें ये खास करके तीन घटक जो मैंने कहे वो होने चाहिए. एक है कृतज्ञता का भाव, दूसरा है भगवान का गुणगान जैसे अलग अलग स्तुतियों के द्वारा. जैसे अभी आज हमने प्रवचन के पहले ब्रह्म संहिता लगाई थी, वो भी भगवान का गुणगान ही वास्तव में स्तुति पर. और तीसरा दैन्य बोधि का, मतलब हमारे दयनीय स्थिति भगवान के सामने प्रकट करनी चाहिए. धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ज्योति माता जी कोई है? मैं आपको अनम्यूट किया है. ज्योति माता जी है? हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हाँ जी प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है. वो जो माता जी ने अभी लास्ट 84 लाख योनि का क्वेश्चन अभी किया था तो उसी से रिलेटेड है मेरा भी क्वेश्चन. प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि जो भक्त भक्ति करने आते हैं जिस जन्म के अंदर कि भक्ति भक्ति उन्हें मिलती है, पिछले जन्म में भक्ति उनकी अधूरी रह जाती है, तो क्या उनकी भक्ति होने के बाद जब उनको उनकी डेथ होती है तो उसके बाद भी क्या उनको 84 लाख योनि दोबारा से रिटर्न मिलती है उस, या डायरेक्ट ही उन्हें कोई भक्त के घर के अंदर ही जन्म मिल जाता है, या 84 लाख योनि के बाद ही जन्म मिलेगा, दोबारा 84 लाख योनि होती है? नहीं 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 नहीं, उसके उसे दोबारा 84 लाख क्यों मिलेगा यदि भक्त है तो? यदि भक्त है तो परिपूर्ण परिपक्व हो गया है तो अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय. वो वापस ही संसार में ही नहीं आएगा. 8वें अध्याय के 5वें श्लोक के अनुसार वो भगवान के धाम चला जाएगा. अगर किसी वजह से यदि परिपूर्ण नहीं होती है तो उसके दो ऑप्शन भगवान कृष्ण कहते हैं. जैसे पथभ्रष्ट योगी का क्या होता है, तो गीता के 6वें अध्याय में अर्जुन ने 37, 38, 39 इस श्लोक में प्रश्न वही पूछा था कि यतोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः. नहीं, तो जो प्रयत्न पूर्वक कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो गीता में भगवान कृष्ण ने 40 से लेकर 46वें श्लोक तक उन्होंने इस प्रकार से जवाब दिया है कि देखो, यदि कोई व्यक्ति उसका पतन भी होता है या वो मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाता है, कच्चिन्नोभय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पति, उसका वो मार्ग से यदि भ्रमित हो जाता है तो क्या
क्या क्या होगा उसका, जब बादल जैसे अपने बादल मूल स्थिति से कई और चले जाते हैं, ऐसी उसकी परिस्थिति होगी ना, यहाँ का ना वहां का, क्या होगा उसका? तो कृष्ण पहला ही कहते हैं कि पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शूचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जो योग भ्रष्ट है इस प्रकार से, मतलब कोई भी योग, भक्ति योगी हो या कर्म योगी, कोई भी योगी है जो पथभ्रष्ट हो जाता है, उसे शूचिनाम श्रीमताम गेहे, उसे उसे अच्छे घर में, अच्छे कुल में, उसको भक्ति जहाँ पे वो पालन कर सकता है उस घर में उसे जन्म मिलता है। हाँ, तो प्रभु जी उसे डायरेक्ट डायरेक्ट मिल जाता है ना जन्म उसको भक्ति वाले घर में, उसे डायरेक्ट मनुष्य का जन्म मिल जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच, यही मेरा क्वेश्चन। हाँ, जो बहुत ही दुर्मिल है वो उसे मिल जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। आखिरी प्रश्न लेंगे हम लोग, अनीता माता जी है, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मला एक प्रश्न आहे कि ज्यांना मुलं नाहीत आणि मुली आहेत, तर आपण पित्र घालताना मुलांना अधिकार असतो, आणि जर मुलंच नाहीत तर मग ते आई वडिलांना असं मुक्ती मिळत नाही का? आत्मा भटकत असतो का त्यांचा? आणि ते करण्यासाठी जर भटकत असेल तर त्याच्यासाठी काय करायला लागेल? मुलं तर असं नॅचरल आहे, आता आपल्याला जे होईल ते होईल समजा। ये बहुत लोगों को ये प्रश्न होता है कि यदि केवल लड़की है या किसी को कोई है ही नहीं तो क्या होगा, ये भी प्रश्न होता है। आपका तो ये लड़की के लिए है, ऐसे कुछ लोग होते हैं उनका प्रश्न ये होता है कि कोई नहीं है क्या होगा। तो के कुछ होना नहीं होना वो भी कर्म के आधार पे होता है सर्वप्रथम। तो वो भी कर्म के आधार पे है, तो उसके बाद जो गति मिलने वाली है वो उसी के लिए ऐसा परिस्थिति निर्माण हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि केवल लड़का ही ये कर सकता है, ये विधि लड़की भी कर सकती है। तो वो भी, जैसे लड़का और लड़की इसमें फर्क नहीं है, क्योंकि केवल उनको वो कृतज्ञतावश उनको पिंडदान करना होता है, तो वो लड़की भी कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उनको वास्तव में केवल देना है, जो भी मतलब कृतज्ञतावश देना है विष्णु प्रसाद अपने पितरों को, तो वो दिया जा सकता है लड़कियों के द्वारा भी, उसमें कुछ अड़चन नहीं है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मुझे, मैंने अपेक्षित नहीं किया था ये आसान श्लोक के ऊपर कुछ प्रश्न होंगे, लेकिन फिर भी अच्छी बात है आपको प्रश्न हो रहे तो, और अपनी जिज्ञासाओं का स्पष्टीकरण करा ही लेना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे और एक हाथ ऊपर आया है, हम लोग कल उसकी चर्चा करेंगे। रीना माता जी, आपको लग रहा है प्रश्न है तो हम उसको कल लेंगे, आप कल के सत्र के लिए उसे रिजर्व रखिए। इसी श्लोक को आगे हम लोग लेके जाने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद् गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।